जनपद में गुरुवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर महानगर में विभिन्न जगहों पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया गया, जिसके संबंध में मूर्ति स्थापना करने वाले आयोजक राहुल कुमार गुप्ता ने बताया कि हम लोग 2003 से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल तक घर पर बैठाया गया, लेकिन इस साल भव्य रूप से गणेश पूजा को मनाया जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता है, वह हम सबके दुखों को अपने साथ लेकर जाते हैं। 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जिसको देखने के लिए लोग आते हैं और दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने वाले आयोजक राहुल कुमार गुप्ता और राम आधार मौर्य ने कहा, राहुल कुमार गुप्ता है, मैं घासी कटरा पंडाल का महामंत्री हूँ। कितने सालों की मूर्ति रखी जाती है? ये मूर्ति 2003 से रखी जाती है, और पहले कुछ सालों में हम लोग महाराष्ट्र से मूर्ति लाई गई, 2 साल कोविड के वजह से मूर्ति को यहाँ ना बैठा के हम लोग महामंत्री जी के संयोजक जी के घर पे बैठाए थे, और फिर 2002 साल के बाद फिर इस मूर्ति को पंडाल में लाया गया। यहाँ हमारे को भीड़ बहुत भयंकर होती है, आपकी हम लोग इसको तिरंगा का रूप दिए हैं, और 75वें सर के वर्ष पे इसमें तिरंगा का हम लोग मौका इनको दिए हैं। विसर्जन दिन हमारे को 9 तारीख को विसर्जन है, शाम को 7 बजे से। मेरा नाम राम आधार मौर्य है। कच्ची बाग काली मंदिर में गणेश पूजा की स्थापना आज 19वां साल है, और यहाँ के श्रद्धालु जो है प्रतिदिन कम से कम 1.5 से 2 हज़ार लोग आते हैं भक्त, और लोगों की मुरादें पूरी हो रही हैं, इसीलिए जो है हमारा 19वां साल है। क्या महत्व है गणेश पूजा का? गणेश पूजा का महत्व हिंदू परंपरा के अनुसार प्रथम पूज्य हमारे गणेश जी हैं। हर कार्यक्रम में हम प्रथम पूजते हैं उनको, चाहे शादी हुआ, विवाह हुआ, या कोई भी कार्यक्रम हुआ तो पहले उन्हीं की पूजा होती है। और मेरा कार्यक्रम है कल 2 तारीख है, कल 56 भोग का कार्यक्रम है, और इसी तरह से 6 तारीख को अपना जागरण का कार्यक्रम है, 4 तारीख को विशाल जागरण है, और 6 तारीख को विशाल भंडारा भव हवन पूजन जो है 8 तारीख को है, और महाआरती शोभा यात्रा 9 तारीख को।